मैं दिल्ली से हूँ और मेरा नेटिव राजस्थान में है जी। मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। सर, ये रैली का आज का क्या पर्पज़ है? जब कभी इस तरीके के बहुजन समाज के लोग रैली करते हैं तो पूरा इसे छावनी के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। देखिए सर, ये सवाल तो आपको सरकार से पूछना चाहिए कि आज एक नोटिस देने के बाद में, जिसमें कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट में इकट्ठा होने के बावजूद भी आज दिल्ली पुलिस ने अपना पूरा इंटेलिजेंस ब्यूरो दिखाया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पूरा आईबी के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुँचा रही है कि यहाँ पे ये हो सकता है, वो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और किस अलर्टनेस के साथ में इन्होंने यहाँ पे आपको सीआरपीएफ को लगाया है, रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया है, दिल्ली पुलिस को लगाया है, दिल्ली पुलिस के कमांडो सर्विसेज को लगाया है, उसके पास में दिल्ली पुलिस की कंप्लीट ट्रैफिक पुलिस को लगाया। अभी इसमें एक सवाल उठना चाहता है जो एक बहुजन समाज के नाते हम लोग पूछना चाहते हैं कि आज आपके पास में इतना आईबी है, आपका सब कुछ है, ठीक है, पर भीमा कोरेगांव में जब आपको पता था कि हजारों हजारों लोग, 1500 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और इकट्ठा हो रहे हैं किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि वो भीमा कोरेगांव पे जो भी आदमी आएंगे, जो उसकी दूसरी सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए, उन पे अटैक करेंगे, उसमें वो डंडे भी लेकर आते हैं, उसमें तलवार भी लेकर आते हैं, उसमें वो पत्थर भी इकट्ठा करते हैं, उसमें पेट्रोल बम भी इकट्ठा करते हैं, वो 140 गाड़ियाँ जला देते हैं, 40 बसें जला देते हैं। तो सवाल के सरकार के सामने एक सिंपल सवाल है, तो क्या उस समय आपका आईबी कहाँ था, आपका स्टेट सिस्टम कहाँ था, स्टेट की महाराष्ट्र पुलिस कहाँ थी, महाराष्ट्र पुलिस का आईबी डिपार्टमेंट कहाँ था, महाराष्ट्र पुलिस का क्या था? देखिए, यही बात मैंने आज से 2 महीने पहले भी कही थी और उसी बात में मैं वापस आ रहा हूँ कि इस चीज़ को समझने की कोशिश की, ये सरकार हर पक्ष में डिफीट कर चुकी है। डिफीट का मतलब है कि ये हर चीज़ में करी है। हम बाकायदा एक एक टॉपिक्स पर बात करें, अर्थव्यवस्था हमारी जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, बशर्ते मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं कांग्रेस का कोई स्पोक पर्सन नहीं हूँ, ना ही मेरा कांग्रेस से कोई मतलब है, उसके बावजूद भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि होने के बाद में भी हमारी जो 7.9% पे जीडीपी थी, आज वो 6.4 पे आ चुकी है। और हमें इस बात पे 100% कन्फर्म है, क्योंकि मैं खुद एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ, जिस तरीके से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, 6.4 भी नहीं है, ये 4.5 से ज़्यादा जीडीपी नहीं है। इन लोगों ने अपनी जीडीपी को इन्होंने यहाँ पे कॉलेप्स कर चुके हैं, द फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर, उसका आप इफेक्ट आप देखिए कि इस देश में नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके पिछले 3 साल से 4 साल से उनका कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, वो जो आधी से आधी सैलरी में भी लोग काम करने के लिए तैयार हैं। थर्ड फैक्टर आते हैं, बात आती है नेशनल सिक्योरिटी की। नेशनल सिक्योरिटी के बाद में ये लोग बाद में अपनी छातियां पीट रहे हैं कि कश्मीर में हमने इतने आतंकवादियों को मारा, पर गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं बता रही है आतंकवादियों को मारने के लिए हमारे 3 गुना ज़्यादा जवान शहीद हो रहे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। जब थर्ड फैक्टर हम लोग फोर्थ फैक्टर पे हम लोग आके बात करते हैं, तो इस देश की इंटरनल सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, इस देश में माइनॉरिटीज़ के साथ में कम्प्लीटली अटैक हो रहा है, दलितों के साथ में बुरी तरीके से अटैक हो रहा है। और उसके बाद में आप समझने की कोशिश की सरकार क्या कर रही है, ये सरकार हम बहुजनों का या दलितों की जो भी मोमेंटम चीज़ है, ये चीज़ पहली बार नहीं हो रही है। इसके बाद में आप समझने की कोशिश की स्ट्रेटेजिकल तरीके से किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने भीमा कोरेगांव में इन्होंने अटैक किया, क्योंकि इन्होंने वहाँ करने के लिए, उसे इन्होंने सहारनपुर में अटैक किया, उससे पहले इन्होंने मुजफ्फरनगर में अटैक किया, उससे पहले इन्होंने पूरे गुजरात में इन्होंने अटैक किया, उसके बाद में राजस्थान में अटैक हो रहे हैं। उसके बाद में आप चीज़ों को समझने की कोशिश, ये सरकार क्या कर रही है बेसिकली, कि जो बहुजन मूवमेंट्स के जो स्मारक हैं, जो उनकी बिल्डिंग है, जो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी डिग्निटी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये उनको कॉलेप्स कर रहे हैं। मैं आपको फिर आपके चैनल से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने भीमा कोरेगांव पर इन्होंने अटैक किया है, उसके बाद में इस देश में जो सबसे ज़्यादा दलित और बहुजन के जो लोग रहते हैं वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में अब एक चीज होने वाली है, आप वो अगले 3 से 4 महीने में मिलेगी आपको, अंबेडकर पार्क लखनऊ। मैं फिर से अपनी बात को क्लियर कर रहा हूं, अंबेडकर पार्क लखनऊ या अंबेडकर पार्क नोएडा, ये दूसरी सेकंड जगह बनेंगी जहां पे कि अटैक्स होंगे, जहां पे अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाएंगी, यहां पे बहुजन समाज के लीडर्स को फिर से डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद में ये चीज़ें बढ़ रही हैं। एक्चुअल सेंस में ये बात समझने के लिए, इस गवर्नमेंट के पास में कुछ भी करने को नहीं है। इन्होंने क्या किया है, राजस्थान में ले लीजिए, हरियाणा में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, महाराष्ट्र में ले लीजिए, उत्तराखंड में ले लीजिए, ये सिर्फ मतलब गवर्नमेंट के लोग आरएसएस के बुनने पे अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं, जिन लोगों का कोई एक्सपीरियंस है, जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं सिस्टम चलता कैसे है। सिर्फ इन्होंने केसरिया रंग या भगवा रंग, उसमें गाय में आपको फतवे में, इन चीज़ों में ये लोग बेसिकली यूथ को ये उलझा रहे हैं, और उलझाने की वजह से ये बात क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं। मांसु जी, अब लगता है कि युवा जो है वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहा है। आप उतर नहीं रहा सर, आप अगर पिछले 3 साल से इस देश में अगर आप देखें, तो अन्ना हजारे के मूवमेंट के बाद में गवर्नमेंट एक चीज़ सोची कि ये मूवमेंट खत्म कर
कर देते हैं और केजरीवाल जी को उन्होंने फंसा दिया, यहाँ दिल्ली सरकार में फंसा के रख रखा है। वो ये चीज़ भूल गए कि एक्चुअली यूथ था जिसने कि बीजेपी की गवर्नमेंट लाने में कहीं ना कहीं हेल्प करी, जो कांग्रेस की फेल पॉलिसीज के अगेंस्ट में खड़ा हुआ था। ये बात ये फिर से भूल रहे हैं कि इस देश में जो यूथ है, जनपद वो जगह है जिसने बड़ी बड़ी सरकारें बदली हैं, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट वो जगह है जहाँ पे इस देश के सबसे बड़े मूवमेंट्स स्टार्ट हुए हैं, रामलीला मैदान इस दिल्ली का वो रामलीला मैदान है जिसने इस देश की है ना कायनात बदली है। ये सरकार उन चीज़ों को फैक्ट्स को भूल रही है कि ये लोग यूथ की इंपॉर्टेंस ये खत्म कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि यूथ इसी तरीके से ये उनको डराएंगे धमकाएंगे रहने के लिए। सब हमारे पास में खोने को बहुत कुछ था जब हम थे, आज हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने फिर अपनी बात आपके सामने रिपीट की थी, मैं न्यूजीलैंड में था, मैंने अपनी जॉब छोड़ी, जॉब छोड़ने के बाद मैं इंडिया में आया, 2.5 लाख रुपए की सैलरी छोड़ने के बाद में अगर मैं इंडिया में आता हूँ किस लिए आता हूँ, इस बात के लिए कि अपने मुल्क में जाकर अपने लोगों के लिए काम करने के लिए, और उसके बाद में जब मैं यहाँ आता हूँ तो और उसके लिए मैं कुछ गवर्नमेंट के लिए आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, हम लोग जब लोन के लिए घूमते हैं तो 3 साल से घूमते रहते हैं पर उसके लिए ना कोई लोन नहीं मिलता क्योंकि करप्शन इस लेवल का है कि 50 लाख चाहिए तो तुम 20 लाख 25 लाख आपको सरकारी ऑफिसर्स को देने पड़ते हैं। तो आप जो करप्शन की बात करें वो बकवास, आपकी निहायत ही बकवास है। आपने नोटबंदी करके आपने पूरी देश की इकोनॉमी को खराब कर दिया, आपने उसके बाद में जीडीपी की बात कर रहे हैं वो आपका कॉलेप्स कर दिया। आप लोगों ने पढ़े लिखे यूथ्स को कॉलेप्स कर चुके हैं, उसके बाद में छोटे जो भी आपके बिजनेसमैन हैं उनको आपने कॉलेप्स कर चुका है। और आप देखिए लेबर की बात में मजदूरों की बात करें हैं तो जो मजदूर आज से 3 साल पहले 2 साल पहले या नोटबंदी से पहले जिसको दिन के दिल्ली में 500 रुपये मिलते थे एक दिन की मजदूरी पर, आज उसको 250 से लेकर 300 रुपये की मजदूरी पर काम कर रहा है। तो सरकार हमें ये बताए कि इस विकास से किसका फ़ायदा हो रहा है, सिर्फ बीजेपी के चंद लीडर्स को छोड़ के किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा, और उसमें भी जो लीडर्स वो हैं जिनकी पेट आरएसएस में है, उनके सिवा किसी का फ़ायदा ना हो रहा, ना इस देश में जवानों को मिल रहा। आप यहीं से जाइए, आप जनपद पर जाइए, जवान पिछले 1100 दिनों से मतलब वन रैंक वन पेंशन के लिए बैठे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इस देश में विद्या टीचर्स की आप देखिए पूरे देश भर में, चाहे वो आपका राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, कहीं पर भी जाइए, स्टूडेंट्स की टीचर्स की हालत खराब है, स्टूडेंट्स के लिए यूथ वो नहीं है, जवानों के शहीद हो रहे हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उसके बाद में आप यूथ के लिए कोई डिग्रीज की नहीं बात करें। तो एक्चुअल सेंस में हो रहा है कि सरकार चलाना चाहती किसके लिए है, आप सिर्फ चंद लोगों को मार देंगे, मरने से कोई नहीं डरता, आप मारते रहें थोड़े दिनों बाद में है कि यूथ डरना बंद कर देगा आपसे। आपने इतने लोगों को मारा है, अब सुनते सुनते हम भी पक चुके हैं कि इसको मारा या उसको मारा, गोरक्षा के नाम पे मारोगे भाई, मारोगे तो इससे ज़्यादा और क्या करोगे। अभी आप यहाँ पे आपकी पुलिस खड़ी है, आप 4 बोल देंगे यहाँ पे, आप आईएसआईएस के एजेंट हैं, ये हैं वो हैं, आप 4 बातें बोलोगे फायरिंग कर दो, मर जाएंगे और क्या होगा। आपने हमारा मरने का खौफ ख़त्म कर रहे हो ये सरकार इस यूथ के लिए, और इसका सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार जो कर रही है, मैं एक चीज़ बात आपके मीडियम से कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार बहुत बड़ी चीज़ कर रही है जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई थी। इस सरकार ने यूथ को अपनी इम्पोर्टेंस याद दिलाई है, और यूथ को दिलाने से वजह से आज आप देखिए इस पूरे देश में एक थर्ड फ्रंट खुल रहा है जो बड़े बड़े थर्ड फ्रंट के लीडर्स नहीं कर पाए थे, और वो अब खुल रहा है जिसमें यूथ आगे आ रहा है, जिसमें यूथ पॉलिटिकल लीडर्स आगे आ रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे आपका गोगोई साहब हो, चाहे जिग्नेश हो, चाहे आपका उमर खालिद हो, चाहे कन्हैया हो, ये हमें चांस दे रहे हैं कि हम आगे आ सकें। अगर सरकार में ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं साहब, आपके लीडर्स की तरह आपके सीएम्स की तरह अनपढ़ जाहिल गंवार नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार जो कर रही है उसके लिए 2019 उनको भुगतेंगे वो लोग, और उनकी सरकार जाएगी। थैंक यू।